हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो लास्ट वीडियो में हमने आपका क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस की थी, और आपके कैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्री वेरिएबल्स आपके क्वांटम नंबर्स बने थे, राइट? तो उन क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, हमने ऑर्बिटल बताया था, यानी ऑर्बिटल्स क्या बताते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया था, ठीक है? और बेसिकली ये जो तीन क्वांटम नंबर हैं वो आपके बारे में किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो बेसिकली वो आपकी ऑर्बिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ऑर्बिटल क्या होता है आपका? ऑर्बिटल होता है 3D स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है मैक्सिमम, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, राइट? सो हमने आपका फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम आपका सेकेंड क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और या फिर आप बोल सकते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है? इसका दो नाम है, या तो आप बोल सकते हो एजीमुथल या आप बोल सकते हो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है? तो जैसे कि हमने पढ़ा था आपके फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली टेल्स अबाउट व्हाट इट टेल्स अबाउट द शेल, और एक्चुअली वो क्या डिस्कस कर डील करता है, वो साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करता है। वैसे ही जो ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एल से डिनोट होता है ये, एंड ये आपका बताता है शब शेल के बारे में, वो शेल के बारे में बता रहा था, ये शब शेल के बारे में बताता है एज पर योर बुक, बट एक्चुअली वॉट इट इज डीलिंग विद, इट इज डीलिंग विद द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट टेल्स अबाउट द शब शेल और यू कैन सी शेप ऑफ द ऑर्बिटल, दोनों डिस्कस करता है। और कैसे ये शब शेल और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करता है वो अब हम समझेंगे, ठीक है? नाउ दैट नेक्स्ट लाइन व्हाट इज रिटन हियर, इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, क्या बताता है हमको? बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और वो भी कैसा शेप बताता है? थ्री डायमेंशनल शेप बताता है, ठीक है? शब शेल के बारे में तो बताता ही है कौन सी शब शेल में है, और साथ में ये बताता है कि आपका शेप क्या है पर्टिकुलरली ऑर्बिटल का, ठीक है? ऑर्बिटल का टेप शेप क्या है, मींस शेप ऑफ 3D जो स्फीयर है, जो 3D स्पेस है उसमें उसका शेप क्या है, स्फीयर है क्या, क्या शेप है, ठीक है? 3D में उसका क्या शेप है, ठीक है? स्फीयर है, डंबल है, जो भी है मतलब क्या शेप है वो बताता है, ठीक है? टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल मींस शेप ऑफ द 3D स्पेस, 3D स्पेस में। अब क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका 3D स्पेस में है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका 3D स्पेस में है। तो देखो ये फर्स्ट 3D मतलब थ्री डायमेंशनल, ये अगर वाई है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस, ठीक है? तो ये थ्री डायमेंशन में अगर आपका कहीं भी इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ है, कहीं भी है, ठीक है? तो इसीलिए हम बोलते हैं, तो ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है शेप, क्या बताता है, शेप, शेप ऑफ व्हाट, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप बताता है इन व्हाट, 3D, ठीक है? 3D स्पेस किस में बताता है, 3D स्पेस में शेप बताता है, ठीक है? 3D स्पेस में शेप बताता है, 3D इट्स नॉट शेप, 3D स्पेस, ठीक है? 3D स्पेस शेप बताता है ऑर्बिटल का इन 3D स्पेस, ठीक है? अब क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, दैट हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे हमने पढ़ा था शेल, हमने क्या पढ़ा था, शेल, और शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? तो आप क्वांटम मैकेनिक्स आ गई है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, शेल जो होता है उसके अंदर होती है क्या आपकी, होती है शब सेल, क्या होती है, शब सेल होती है उसके अंदर, देन वो शब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, और ये ऑर्बिटल के अंदर होता है आपका इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो शेल होती है उसके अंदर शब शेल होती है और उसके अंदर होता है क्या, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हम क्या बोल रहे थे, शेल के शेल या फिर ऑर्बिट के वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में थिंकिंग चेंज कर दो, ये सोचो कि कोई शेल है उसके अंदर उसकी शब शेल्स हैं, उस शब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, ठीक है? और वो ऑर्बिटल ही क्या है, वो एक तरह का 3D स्पेस है, ठीक है? और वहां पर पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है मैक्सिमम, क्या होती है, मैक्सिमम होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? नाउ यही हमने यहां पढ़ा। अब देखो इसको हम कोरिलेट करते हैं L की वैल्यू, ठीक है? हम देखो आपको एक चीज बता दूं, L की वैल्यू जो होती है, जैसे हमने N की वैल्यू पढ़ी थी, N की वैल्यू थी आपकी पॉजिटिव इंटीजर, दैट कैन नॉट बी जीरो, L की वैल्यू अगेन आपकी पॉजिटिव इंटीजर होगी,
इट कैन नॉट बी नेगेटिव बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये जीरो से शुरू होगी और आपकी आगे तक जाएगी पर ये नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका एल शेल है और ये बेसिकली क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, आपका सबशेल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो एक चीज जान लो, अगर एल की वैल्यू 0 है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो आपकी सबशेल क्या होगी, आपकी सबशेल होगी एस, और अगर एल की वैल्यू 1 है तो आपकी जो शेल होगी वो पी होगी, ठीक है, और सबशेल, सॉरी नॉट शेल, सबशेल, और अगर आपकी एल की वैल्यू 2 है तो आपकी सबशेल डी होगी, अगर आपकी एल की वैल्यू 3 है तो आपकी सबशेल 5 एफ होगी, 4 अगर आपकी सबशेल है तो अभी तक एफ के बाद वाली सबशेल डिस्कवर नहीं हुई है, अभी तक उसकी कोई स्टडी नहीं हुई है, मतलब अगर ये 4 है और यहाँ पर एफ जी, तो इसकी कोई स्टडी नहीं हुई है, तो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स में पाया गया है, ठीक है, तो अभी तक इसके ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो अब नाउ हम देखो, जब भी आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर के हिसाब से आपकी ये सारी सबशेल्स डिसाइड होती हैं, अब नाउ ये सबशेल्स, ये सबशेल्स हैं, इनकी खुद के शेप्स हैं, ठीक है। तो जो आपकी एस सबशेल है, इसका जो शेप होता है वो आपका स्फेरिकल होता है, क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और जो आपका पी सबशेल है उसका जो शेप होता है क्या होता है, डंबल शेप होता है, एंड जो आपका डी है उसका डबल डंबल शेप होता है, एंड जो एफ है उसका कॉम्प्लिकेटेड शेप स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें क्या होते हैं, 8-fold से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए उसको हम कॉम्प्लिकेट बोलते हैं, उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ वैसे तो हम इस सारे में से किसी को भी ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये 3D शेप्स हैं जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। स्फीयर क्या है आपका, 3D फुटबॉल बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, उसको क्या आप पेज पर ड्रॉ कर सकते हो, नहीं ना, हाँ ड्रॉ कर लोगे, जैसे ऐसे बोल लोगे कि हाँ दिस वन इज व्हाट समथिंग, दिस वन लेट इट सपोज दिस वन इज फुटबॉल, ओके ये ऐसा ऐसा फुटबॉल है, आप ऐसा बना लोगे, ठीक है। क्या आप उसका 3D पूरा गोल घुमा के देख पाओगे, नहीं ना, तो ये हमारा पेपर क्या, हमारा 2D, हम इसमें 3D चीजें नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये जो बेसिकली जो शेप्स हैं वो बेसिकली 3D शेप्स के हैं। तो नाउ मैं आपको बता दूं, एजीमुथल क्वांटम नंबर हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, एजीमुथल, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम, क्वांटम नंबर। तो हमारे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये एजीमुथल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था क्वांटम नंबर हमारा। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एल की वैल्यू, ठीक है, एल की वैल्यू उन्होंने बोला कि एल की वैल्यू पॉजिटिव होगी स्टार्टिंग विद जीरो, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव वैल्यूज होगी। तो एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 मान ली उन्होंने, ठीक है, 4 तक नहीं मानी क्योंकि मैं उसका रीजन बताऊंगी, क्योंकि अभी तक उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप मान लो 3 तक एल की वैल्यू। नाउ सबशेल, तो जब L की वैल्यू 0 होती है तो कौन सी सबशेल होती है, S, ये आपको याद करना है, S होती है, ठीक है, S ऑर्बिटल पढ़ा होगा ना आपने, आगे P ब्लॉक में भी पढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत वहां पे पढ़ा होगा, क्लास 11th में P ब्लॉक था, उसमें थोड़ा बहुत जिक्र था, S, D, B, ये सब होते हैं ना, S, D, पीरियोडिक टेबल में तो है ना, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे ही ये सबशेल क्या है, ये S, ये होता है आपका P, ये हो गया आपका, ये स्मॉल P है, हाँ स्मॉल P, ये D स्मॉल, सब स्मॉल, ये F, ठीक है, F। नाउ ये जो सबशेल पता चल गई, अब इसका क्या था, शेप, शेप, ठीक है, शेप क्या था बेसिकली, ये क्या बताता है आपको, ये बेसिकली जो बताता है आपको, ये आपको लॉ बताता है, ये बेसिकली आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो एस जो सबशेल है उसका शेप क्या रहता है, उसका शेप रहता है स्फेरिकल, क्या रहता है, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल मतलब देख लो ऐसा कुछ, स्फेरिकल ऐसा सर्कुलर टाइप, ठीक है, स्फेरिकल शेप जैसा होता है, स्फीयर का जैसा। जो पी होता है उसका हो शेप होता है डंबल, क्या होता है, डंबल शेप, डंबल वही जिससे वो बॉडी बनाते हैं ना, डंबल, डंबल जो हाथ में क्या होता है, कुछ डंबल ऐसे शेप का होता है, तो ऐसा शेप होता है डंबल, ठीक है, डंबल शेप, डंबल बेसिकली ऐसी कुछ होता है ना, ऐसी करके होता है, तो वही इस शेप को डंबल बोल दिया शेप, ठीक है। एंड डी का होता है डबल डंबल शेप, मतलब दो डंबल है, डबल डंबल शेप है इसका। तो यहां पर मैं इसका डायग्राम बताती हूँ, डबल डंबल का, डबल डंबल का डायग्राम यहाँ बनाती हूँ, डबल डंबल मतलब दो बार डंबल, एक डंबल और दूसरा डंबल, ये हो गया डबल डंबल शेप। नाउ एफ का होता है कॉम्प्लिकेटेड शेप, क्यों उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें 8-fold स्ट्रक्चर होता है, देखो ये 2-fold स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहां पर क्या हो गया 4-fold स्ट्रक्चर हो गया, और यहां पर 8-fold स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा 8-fold स्ट्रक्चर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखो बुक में आपने देखा होगा, आपकी बुक में दे रखा है ये अभी कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही हुए,
तो कुछ ऐसे भी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, ऐसे भी ओवरलैपिंग होगी। तो ये ऐसा होता है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बना नहीं सकते, ठीक है। वैसे तो हम बना नहीं सकते ये सबको पेपर पे, पर हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। पर ये जो इसीलिए हम बोलते हैं एफ वाला क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसको पेपर पे भी ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए, ठीक है। सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। नाउ जी वाली कोई चीज़ अभी तक, फोर वाला, एल की वैल्यू फोर होगी तो जी कोई आपका सबसेल है नहीं, तो अभी तक हम इसके बारे में स्टडी साइंटिस्ट लोगों ने की नहीं है, ठीक है। हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, और क्योंकि है ही नहीं है अभी तक। तो स्फेरिकल शेप देख लो, ये स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल डंबल, मतलब ये डंबल की जैसा शेप है, डबल डंबल, तो मैंने बता दिया आपको। ये मैंने लिख के इसलिए बताया ताकि आपको आराम समझ में आए। और देखो कॉम्प्लिकेटेड मतलब एट फोल्ड, देखो एक, ये दो फोल्ड हो गया ना, दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, छः, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एट फोल्ड। तो कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली एल शेल आपका क्या बताता है, एल आपका वही जैसे हमने पढ़ा था एन के लिए, एन आपका शेल की इन्फॉर्मेशन देता है, एंड एक्चुअली क्या बताता है, साइज क्या है ऑर्बिटल का। वैसे ये एल क्या होता है आपका, ये बताता है आपका बेसिकली सब शेल बताता है, एंड बेसिकली क्या बताता है, शेप ऑफ दी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप बताता है। अगर एस है आपका, एल का वैल्यू अगर आपका जीरो है तो आपका एस सबशेल है, और शेप क्या होगा ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल का शेप होगा आपका क्या, यहां पर आप ये भी लिख सकते हो शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल का शेप होगा क्या, स्फेरिकल। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ जा सकता है, अगर आपको मान लो ऐसे दे दिया गया, ठीक है, आप मान लो आपको दे दिया गया एल की वैल्यू है जीरो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बताना है कि शेप क्या है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एल की वैल्यू जीरो है तो आपको पता है एल की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 1 2 3, राइट। तो जीरो के लिए एस पी डी एफ होता है, राइट, एस पी डी एफ होता है। तो अगर एल की वैल्यू जीरो है तो क्या, कौन सा ऑर्बिटल, मतलब कौन सी सबशेल है, एस सबशेल है, और उसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल, राइट। अगर आपको पूछ लिया है कि एल की वैल्यू थ्री दे रखी है और बोला है कि शेप एंड ऑर्बिटल बताओ, तो एल की वैल्यू थ्री, एल की वैल्यू थ्री कहां पर है, थ्री, तो आपका ऑर्बिटल क्या हो गया एफ, और शेप क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। ये ऑर्बिटल मतलब सबशेल क्या हो गया आपका, एफ हो गया, और ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। नाउ अब हम जो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम एन के टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एन की वैल्यू उसके साथ ही कैसे वेरी करेगा, जब एन की वैल्यू वन होगी तो ये एल की वैल्यू कैसे वेरी करती है। तो इसके लिए अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपको समझ नहीं आता तो आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। आई विल गिव माई बेस्ट सो दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है, मैं आपको समझा सकूं, बट आपको भी खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एन की वैल्यू, हमको पता है एन की वैल्यू हमेशा किससे स्टार्ट होती है, एन की वैल्यू स्टार्ट होती है हमारे पॉजिटिव इंटीजर होती है, तो 1 2 3 4, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 होगा, डेसिमल नहीं होगा, ठीक है, एक एक इंटीजर वैल्यूज, 1 2 3 2.2, ये सब इंटीजर वैल्यू नहीं होते, 1 हो 2 है 3 है ऐसा, ठीक है, दैट टू पॉजिटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक है। तो 1 2 3, एल की वैल्यू हमको पता है, एल की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, एल की वैल्यू आपको शुरू होती है जीरो। अब आपको एक चीज में गौर करनी है, मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक एन से रिलेटेड एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है, एल का। तो ये आपको थोड़ा कुछ अगर आपके लिए न्यू है तो आपको याद तो थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एल है, एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू आपकी जीरो, या तो जीरो से बड़ी होगी या जीरो से इक्वल होगी, ठीक है, जीरो हो सकती है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम हो सकती है एन माइनस वन, ठीक है, क्या हो सकती है, एन माइनस वन, ठीक है, ऐसे वैल्यू निकलती है, ये फॉर्मूला है। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो फॉर एग्जांपल हम एन एल और ये फॉर्मूला लगाते हैं, जीरो एल एन माइनस वन, ठीक है, अभी क्लियरली दिख रहा होगा, एल की वैल्यू वन हो कर सकती है, ठीक है, एन, अगर एल की वैल्यू वन होती है, ठीक है, एन की वैल्यू वन होती है तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम जीरो हो सकती है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, एन माइनस वन। अब एन की वैल्यू वन है, एल की वैल्यू जीरो हो सकती है, और एन माइनस वन क्या होगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ यहां पर जीरो वैल्यू होगी, ठीक है, क्या होगी, सिर्फ जीरो वैल्यू होगी, ठीक है, एंड यस ये जीरो होगी। अब अगर मान लो एन की वैल्यू टू है, ठीक है, एन की वैल्यू टू है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एल की जीरो होगी, राइट, जीरो हो जाएगी, एंड जीरो तो हो जाएगी, और आप एन माइनस वन, तो एन माइनस वन क्या होगा, एन क्या आपका टू माइनस वन, तो क्या होगा वन, तो वन हो जाएगी दो वैल्यू। जब एन की वैल्यू थ्री है, थ्री में से माइनस वन कर दो, जीरो तो पहले से रहेगा, थ्री माइनस वन टू, तो वन टू थ्री हो जाएगी, ठीक है। फोर है एन की वैल्यू, तो क्या होगा, ये आपका जीरो होगा, ये वन होगा, ये थ्री होगा, सॉरी टू होगा, और ये थ्री होगा, ठीक है, क्योंकि फोर है, एन माइनस
वन तो क्या होगा, फोर माइनस वन थ्री, थ्री आएगा राइट, तो थ्री तक वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है थ्री तक वैल्यू लिख सकते हो। और क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू जीरो है, तो जीरो वन टू थ्री, थ्री आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, जीरो आपकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ये ऐसा ऐसा फॉर्मूला रहेगा। तो वही समझाया मैंने, अब देखो ये एन की वैल्यू वन थी, टू थी, थ्री थी, फोर थी, एल की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, एन की वैल्यू वन थी तो एन की वैल्यू देखो यहाँ पे एन माइनस वन, एन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, और मिनिमम वैल्यू जीरो तो आपने जीरो लिख दिया, टू, टू माइनस वन वन और मिनिमम वैल्यू जीरो तो जीरो वन लिख दिया, थ्री मैक्सिमम वैल्यू थ्री माइनस वन टू तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू जीरो तो जीरो वन टू, अब फोर, फोर माइनस वन थ्री तो मिनिमम वैल्यू जीरो, जीरो वन टू थ्री। अब ये क्या है, ये बेसिकली जीरो, जीरो का मतलब क्या है, आप देखो एल का वैल्यू आप याद करो, जीरो, जीरो का मतलब आपको अगर याद होगा एल जीरो वन टू थ्री, एल अगर जीरो है तो आपका क्या है एस ऑर्बिटल, ठीक है एस ऑर्बिटल था ना, एस सबशेल था वही, ये पी, ये डी, ये एफ। अब देखो ये क्या है जीरो और ये क्या है वन राइट, वन एन का वैल्यू वन है तो ये हो गया वन एस राइट, एस ऑर्बिटल तो हम इसको बोलेंगे ऑर्बिटल क्या है वन एस लिख दिया, ये क्या होगा टू, टू है एन की वैल्यू तो टू एस और ये वन की वन, क्योंकि जीरो था, देखो ये जीरो था राइट, ये जीरो था तो हमने क्या लिखा, जीरो हमको पता है s ऑर्बिटल होता है राइट s, और ये n की वैल्यू 1 थी तो हमने 1s लिख दिया, यहां पर 2 है n की वैल्यू बट ये क्या है आपका 0 है, ठीक है जीरो किसके लिए होता है s के लिए होता है, 1 किसके लिए होता है p के लिए, तो 2p लिख दोगे, अगेन 0 3 तो 3 0 किसके लिए होता है s के लिए 3s लिखोगे, ये 1 है 3 है यहां पर तो 3p, 2 किसके लिए होता है 2d ब्लॉक के लिए होता है राइट, d ऑर्बिटल के लिए होता है ठीक है, तो यहां पे 3 डी लिख दोगे। अब देखो जीरो, जीरो अगेन ये क्या कौन सी शेल है, फोर शेल, तो फोर क्या लिखोगे एस ठीक है, एंड ये वन, वन लिखा हुआ है ठीक है, वन लिखा हुआ है मतलब वन किसके लिए होता है, वन पी के लिए होता है, तो यहाँ पर शेल का नंबर क्या है फोर पी, अगेन शेल का नंबर फोर पी है टू है तो फोर डी, और शेल का नंबर फोर है ये थ्री है तो मतलब फोर एफ ठीक है, ये हो गया, ये आई थिंक समझ में आया होगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसा है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 होती है, l की वैल्यू आपकी 0 0 1 1 2 3 1 0 1 2 3 और ये 0 1 2 था, और इसमें एक ऑर्बिटल क्या है इसमें इन्वॉल्व, ऑर्बिटल आपका है 1s मतलब सबशेल क्या है, कौन सी सबशेल है 1s सबशेल है, यहाँ पर 2s एंड 2p सबशेल है, 3s 3p सबशेल है, 3d सबशेल है, 4s 4p 4d 4f सबशेल है ठीक है। तो अभी तक यहां तक आई थिंक चीजें क्लियर हुई होंगी। नाउ नेक्स्ट, तो इससे हम एक चीज क्या पता लगा सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सबशेल इन ए सेल है, मतलब जो नंबर ऑफ सबशेल है इन अ पर्टिकुलर शेल इज व्हाट, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट। अब आप एक चीज देखो अच्छे से ठीक है, अब आप एक चीज देखो नंबर ऑफ सबशेल ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल बेसिकली एल क्या बताता है, एल आपका बताता है सबशेल के बारे में बताता है नंबर ऑफ सबशेल ठीक है, सो नंबर ऑफ मैं सबशेल बोलू, नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल्स टू, देखो यहां पर कितना था फर्स्ट के लिए, ये वन था और ये वन ठीक है वन आया, यहां पर टू था ये टू आया, यहां पर थ्री था वन टू थ्री, थ्री वैल्यू आई, तो नंबर ऑफ सबशेल कितनी थी, इज इक्वल्स टू यू कैन से शेल नंबर, शेल नंबर या बोल दो या फिर नंबर ऑफ शेल, यहां पर नंबर ऑफ शेल क्या है वन है और एल की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ सबशेल जीरो, मतलब ए की वैल्यू है वन है, जीरो मतलब क्या है ऑर्बिटल, एल की वैल्यू वन आई है, सिर्फ एक वैल्यू एल की, यहां पर एल की दो वैल्यू है जीरो और वन, यहां पर एल की थ्री वैल्यू है, यहां पर एल की फोर वैल्यू है राइट, तो जब एन की वैल्यू फोर थी तो आपकी एल की वैल्यू भी फोर आई, नंबर ऑफ एल की वैल्यू फोर आई, थ्री थी एन की वैल्यू जब तो नंबर ऑफ एन की एल की वैल्यू टू थ्री आई, टू थी तो नंबर ऑफ एल की वैल्यू टू आई, और जब वन थी तो नंबर ऑफ एल की वैल्यू वन आई ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली कि नंबर ऑफ सबशेल इन अ सेल, जो नंबर ऑफ सबशेल इन अ सेल बनी आपकी क्या बनी, उसका फॉर्मूला हमारा ये बन गया, ये याद रखना है, नंबर ऑफ सबशेल इन अ सेल इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ शेल मतलब कितना शेल है या फिर बोल सकते हो ऑर्बिट ठीक है, नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट, और या फिर ये बोल सकते हो शेल नंबर, क्या बोल सकते हो शेल नंबर ठीक है। अगर आपको कोई पूछा आपको दे रखा है कि थ्री, मान लो दे रखा है एन इज इक्वल टू थ्री दे रखा है, अब आपको पूछा नंबर ऑफ सबशेल बताओ कितनी होगी नंबर ऑफ सबशेल, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ सबशेल भी थ्री होगी ठीक है, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला है ठीक है।
तो आई थिंक यहाँ पर भी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी. नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. हाँ, वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, दैट हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि एजोमथल जो होता है, और यू कैन से एंगुलर मोमेंटम और क्वांटम नंबर जो होता है आपका, ये बेसिकली क्या बताता है हमको, ये जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और ये, हाँ, ये जो एजीमिथल क्वांटम नंबर था, ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के बारे में बताता है. तो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए. हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं. तो बस एक चीज जान लो, ये फॉर्मूला याद रखो. सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, ये कैसे ड्राइव होता है, क्या होता है, वो बड़ी क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है. बस फॉर्मूला याद रखो, दैट इज वॉट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है, एच बाई टू पाई रूट ओवर एल ब्रैकेट एल प्लस वन, ठीक है. तो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है आपका वन बाई सॉरी एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ओके एच बाई टू पाई रूट ओवर एल एल प्लस वन, ये होता है फॉर्मूला. ये तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है, आपको याद रखना है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देता है. ना हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है. अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है. आपको एग्जाम में ये एंगुलर मोमेंटम निकालने का क्वेश्चन आ सकता है. तो अभी के लिए दो चीज हमने समझ ली कि नंबर ऑफ सबशेल का चीज आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल निकालने के लिए क्या करना है हमको. हमको देखना है नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट, ठीक है, नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट, या फिर हम बोल सकते हैं शेल नंबर और ऑर्बिट नंबर. सो नंबर ऑफ सबशेल क्या होता है, बेसिकली इज इक्वल टू शेल नंबर और ऑर्बिट नंबर, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम नंबर ऑफ सबशेल. अगर आपका एन का वैल्यू टू दे रखा है तो नंबर ऑफ सबशेल कितनी होगी, टू होगी. अगर आपको नंबर ऑफ सबशेल टू दे रखा है तो आपकी शेल नंबर क्या होगा, टू होगा. ये आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको पता हो जानी चाहिए, अभी तक समझ में आ गया होगा. नाउ वन मिनट स्टूडेंट्स. Why I'm becoming so thirsty whenever I'm taking the classes? Okay, let it be. Yeah. So orbital angular momentum हमने discuss कर लिया. अब ना हम दो question देखते हैं. ये question क्या दे रखा है? क्या पूछा है आपको? Question number one देखते हैं कि find. Yes, now it is clear I think, right? Okay. Find orbital angular momentum of electron in 3p subshell. क्या बोला है आपको? Orbital angular momentum बताने के लिए बोला है. In what? In 3p subshell. 3p subshell में orbital angular momentum बताने बोला है. तो सबसे पहले तो आपको 3p दे रखा है. तो 3p दे रखा है मतलब यहां से n की वैल्यू पता चल गई कि n की वैल्यू 3 है, राइट? क्योंकि 3p दे रखा है, n की वैल्यू 3 पता चल गई हमको, राइट? नाउ p orbital दे रखा है. क्या दे रखा है? p orbital. अब बताओ आप, अब सोचो जरा, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 3p, ठीक है, 3p दे रखा है ऑर्बिटल. तो आपको पता चल गया एन की वैल्यू, तो ये यही एन की वैल्यू 3 हो गई. पी ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? आपको क्या निकालना है? आपको एंगुलर ये निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एल. एल आपको पी दे रखा है, पी ऑर्बिटल बोल रखा है. तो आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, एल 0 1 2 3. आपको पता है 0 के लिए एस ऑर्बिटल होता है, इसके लिए पी होता है 1 के लिए, 2 के लिए आपका डी होता है, इसके लिए एफ होता है. अब देखो P क्या है आपका? P ऑर्बिटल मतलब L की वैल्यू क्या है? 1. क्या है L की वैल्यू? P ऑर्बिटल है मतलब L की वैल्यू 1 है. आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया. ये आपको माइंड में हमेशा याद रखना है, ये सबशेल था, राइट? आपको माइंड में हमेशा दिमाग में चलता रहना. अभी जो आप कर रहे हो इसको रफ में करके करके देख लिया करो, नहीं तो अभी अभी क्योंकि आप अभी लर्न कर रहे हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो आप अभी भूल सकते हो, ठीक है. तो आप एक काम करो, इसको रफ में करके देख लिया करो, तो कंफ्यूज नहीं हो गया. अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है. एंगुलर मोमेंटम मैं यहां पे क्यों लिख रही हूं, यहां से करते हैं. आपको क्या करना है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं मोमेंटम, ठीक है, का फॉर्मूला लगना है. ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला निकालना है, ये आपका एच बाई टू पाई, और ये क्या है? एल एल प्लस वन. अब एल की वैल्यू आपने ढूंढ निकाली है, आपको पता है ये तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है. प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.626 × 10⁴, राइट? -34. ये 2 पाई है, 2 मल्टीप्लाई 3.14. और L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू आपकी आपने कैलकुलेट की अभी 1 आई. ये 1 लिखा, ये 1 प्लस 1, यहाँ पे भी L था, L प्लस 1. क्या हुआ आपका? ये मान लो अभी के लिए हम इसको, ये जो वैल्यू इसको नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं H बाई 2 पाई. जब आप सॉल्व करोगे तो आप कर लेना, मल्टीप्लाई ये 2 हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई 2,
तो क्या हो जाएगा, ये होगा h बाई 2 पाई मल्टीप्लाई रूट टू, राइट। अब इसकी वैल्यूज पुट करो, रूट टू की वैल्यू पुट करो और आप सॉल्व कर लोगे, या फिर इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, डिवाइड कर दो एक ही नंबर से, राइट। तो उस तरह से सॉल्व करके कर सकते हो आप ऐसे, सॉरी इसको सॉल्व करके कर सकते हो, या आपकी निकाल सकते हो, या फिर इतना भी छोड़ दोगे तो इट इज योर करेक्ट करेक्ट आंसर ओनली, ठीक है। अब बस हाँ, जेई वगैरह में अगर पूछता है तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और थोड़ा आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर शायद आपको कैलकुलेटर भी आपके स्क्रीन पर रहता है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज वॉट सी। यही हुआ 3p, एन की वैल्यू 3 थी, प्री ऑर्बिटल मीन्स मतलब क्या, एस का 0 होता है p, तो ये हो गया 1, p का वैल्यू 1 हो गया। ये l की वैल्यूज होती है ना, ये तो l की वैल्यूज होती है, एस पी डी एफ 0 1 2 3, p ऑर्बिटल दे रखा था तो आपका 1 हो गया, हैंस l की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। आपने ये एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको पूछा था, तो आपने ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, तो आपने ये निकाल दिया, h इज इक्वल्स टू वॉट, h बाई 2 पाई रूट ओवर 1 1 प्लस 1, ठीक है। एंड तो उसको किया, उसको रूट टू आ गया, ठीक है। तो आई थिंक अभी ये चीज भी क्लियर हो गई होगी आपको कि कैसे हुआ ये सॉल्व, राइट। नाउ वन मोर क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं, सिमिलर ही है थोड़ा सा, सेम क्वेश्चन। फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस, ये कटा हुआ है एस ऑर्बिटल, एस सबशेल, सबशेल में पूछा है, एस सबशेल में पूछा है, ठीक है। अब आप इस वीडियो को पॉज कर लो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। ऑल्दो आपको दिख ही जाओगा, बट आप खुद से सॉल्व करने का भी ट्राई कर सकते थे, तो आप कर लो, ठीक है एक बार। तो फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट, एस शेल। अब आपका क्या बोल रखा है, एस शेल, एस सबशेल में बोल रखा है। आपको पता है एस सबशेल है तो एल की वैल्यू क्या होगी, एस सबशेल है तो एल की वैल्यू क्या होगी, देखो एल की वैल्यू यहां पर दी रखी है, राइट। एस अगर है तो एल की वैल्यू 0 होगी, तो यहां पर क्या करोगे आप, एल की वैल्यू 0 लिख ली। अब आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओगे, एच बाई 2 पाई एल, एल ब्रैकेट एल प्लस 1, तो एल की वैल्यू 0 है, ब्रैकेट 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, पर 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करके तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा, रूट ओवर 0 भी 0 ही होता है, और सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो यस, ये दो क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्जाम में भी आते हैं, आपके जेईई में भी आते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तरीके से आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। और कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी कुछ अगर डिफाइन करने दिया रहा है, क्वांटम नंबर्स पे कोई क्वेश्चन आया, उसके साथ में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको बस केयरफुली पढ़ते रहना है, एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।